आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रैक्टिकली आप लोग अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर कैसे कर सकते हो 2022 में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स, ब्लॉगिंग, होस्टिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, कौन सा प्लगइन यूज़ करना है, फ्री में फुल ऑन सिक्योरिटी आप कैसे डाल सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। उसका मैं आपको ट्यूटोरियल भी दूंगा आज के इस वीडियो में। तो कुछ प्लगइन्स हैं जिसका यूज़ करते हैं लोग सिक्योरिटी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लगइन है सुकुरी। अब ये मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो मेनली चीज़ें हैं वो पेड प्लान में है इनकी, तो मुझे आज के वीडियो में फ्री प्लान के बारे में बात करनी है, तो आज हम लोग इसके ऊपर नहीं देखेंगे। अगर आपके पास पेड हैं, अगर आपको जाना है पेड ऑप्शन में, तो यू कैन गो विद दिस वन। सेकेंड जो ऑप्शन रहता है वो रहता है वर्डफेंस। नाउ वर्डफेंस इज़ रियली गुड, फ्री में भी ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में वर्डफेंस यूज़ करने के बाद मेरी जो वेबसाइट की स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो गई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्डफेंस को भी नहीं यूज़ किया है इस वीडियो के लिए। जो प्लगइन का हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है आईथीम सिक्योरिटी। फ्री में ये वाला प्लगइन काफ़ी अच्छे सारे आपको ऑप्शंस दे देता है, प्लस स्पीड भी आपकी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होती है। नाउ स्पीड आपकी होस्टिंग के ऊपर भी डिपेंड करती है, आपने कौन सी थीम्स यूज़ करी है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, कैसे डिज़ाइन करी है सबके ऊपर डिपेंड करती है। फ्री थीम्स के ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगा, नहीं देखा है तो देख लो जा करके। उसमें से कोई भी थीम आप लोग यूज़ कर सकते हो, उसमें मैंने बताया कि कौन सी लाइट वेट थीम है, कौन सी अच्छी है, और फ्री में भी आपको मोस्ट वैल्यू कौन सी थीम मिल जाएगी, उन सबकी डिटेल्स आपको वीडियो में मिल जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, डजेंट मैटर आपकी वेबसाइट का साइज़ क्या है, आपकी वेबसाइट कितनी नई है, कितनी पुरानी है, आपको ये चीज़ करनी ही है। बहुत बार क्या होता है, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि जब भी जो भी नई वेबसाइट्स रहती है, हैकर्स यूजुअली उसको टारगेट करते हैं, हैक कर लेते हैं एंड देन बैकडोर में अपना मैलवेयर वहाँ पे इंस्टॉल करके रख देते हैं। अभी वो एक्टिवेट नहीं होता है। जैसे ही आपकी वेबसाइट पॉपुलर होने लग जाती है, जैसे ही उस पर ट्रैफिक आने लग जाता है, जैसे ही आप लोग यू स्टार्ट मेकिंग सम रेवेन्यू आउट ऑफ इट, देन उनको वहाँ से नोटिफिकेशन आ जाता है एंड देन दे स्टार्ट एक्टिवेटिंग द मैलवेयर। और आपको लगता है कि यार मैंने तो सारी सिक्योरिटी सेटिंग्स कर ली थी, मैलवेयर कहाँ से आ गया, मैलवेयर ये स्टार्टिंग में आ गया था, एक्टिवेट अभी हुआ है। इसीलिए डजेंट मैटर अगर आप कोई नई वेबसाइट भी बना रहे हो तो इन सिक्योरिटी सेटिंग्स को आपको पहले से ही करना है। डजेंट मैटर आपकी वेबसाइट पर कोई ट्रैफिक आ रहा हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं अपनी वेबसाइट बताता हूँ, ये रही मेरी वेबसाइट kripeshadwani.com। यहाँ पर भी मैं iThemes सिक्योरिटी का ही फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ और ये कुछ बॉट अटैक्स हुए हैं, ब्रूट फोर्स अटैक्स हुए हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर, कभी 200 तक पहुंच गए हैं, जो इस प्लगइन ने यहाँ पे प्रिवेंट करे हैं। लेट्स गो टू लॉग्स। लॉग्स में जाकर के हम लोग थोड़ी और डिटेल्स में देखते हैं कि कितने यहाँ पर आ रहे हैं। ऑल इवेंट्स पे चले जाता हूँ मैं। उसके बाद 34 मिनट्स पहले यहाँ पे कुछ इनवैलिड लॉगिन्स हुए, ये सब बॉट अटैक्स हुए हैं जो इसने ब्लॉक किए ना 2 घंटे पहले, 34 मिनट्स पहले, मतलब एक दिन में इतने सारे यहाँ पे बॉट अटैक्स हो रहे हैं। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर कर लेना चाहिए ताकि ये सारे जो बॉट अटैक्स हो रहे हैं इनसे आप लोग सेफ रह पाओ। सो अभी हम लोग चलते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, फटाफट अपने प्लगइन को इंस्टॉल कर देते हैं। तो आपको जाना है प्लगइन्स पे, ऐड न्यू, यहाँ पे सर्च करेंगे iThemes सिक्योरिटी, इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देना है। प्लगइन इज नाउ इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेटेड और ये मेरी वेबसाइट है kptesthost4.icu और ये वेबसाइट होस्टेड है होस्टिंगर के ऊपर और होस्टिंगर इस वीडियो के स्पॉन्सर्स भी हैं। होस्टिंगर एक अफोर्डेबल होस्टिंग सर्विस है जिसपे काफ़ी ईजी है यूज़ करना, बिगनर फ्रेंडली है, इसके डेटा सेंटर्स भी इंडिया में, तो आपको स्पीड भी अच्छी मिलेगी। और अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेस करोगे go.kripeshadwani.com/hostinger और कूपन कोड एंटर करोगे कृपेश, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। प्लस अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से लोगे तो एक होस्टिंगर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पे मैंने बताया कि होस्टिंगर को कैसे यूज़ करना है हिंदी में, वो सारे ट्रेनिंग वीडियोस भी आपको फ्री में मिल जाएंगे अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे तो। नाउ बैक टू द स्क्रीन, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ से भी अपना डैशबोर्ड और प्लगइन्स वगैरह एक्सेस कर सकता हूँ। फिलहाल हम लोग चले जाते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, मैं जाता हूँ सिक्योरिटी सेटअप। जैसे आप लोग नया इंस्टॉलेशन करोगे आपको यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा एंड देन अभी यहाँ पर आपको करना है क्लिक स्किप सेटअप पर। लॉगिन सिक्योरिटी, इसमें आपको 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर देना है। इसकी सेटिंग्स कहाँ से होगी वो मैं भी आपको आगे बताऊँ। अभी यहाँ पर जो भी बेसिक सेटअप है उसको हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं। 2-फैक्टर को ऑन कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लॉकआउट्स, ब्रूट फोर्स ऑटोमेटिकली ऑन रहेगा, नेटवर्क ब्रूट फोर्स भी ऑन रहेगा, दैट इज़ गुड। नेक्स्ट, यूटिलिटीज़ में इसको ऑन करने की अभी ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी चेक प्रो को। यूज़र ग्रुप्स डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देना है आपको। डिफ़ॉल्ट बेसिकली जितने भी यूज़र ग्रुप्स होते हैं जैसे एडमिन हो गया, एडिटर हो गया, कॉन्ट्रीब्यूटर हो गया, तो उन सब के लिए क्या सिक्योरिटी सेटिंग्स रहेगी। तो जो एडमिन है
सिर्फ वही आईथीम सिक्योरिटी की यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह चेंज कर पाएगा, बाकी जो भी दूसरे यूजर ग्रुप है उनको ये सारा एक्सेस नहीं मिलेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या क्या एक्सेस मिलेगा वो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। पासवर्ड रिक्वायरमेंट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए और स्किप टू फैक्टर ऑनबोर्डिंग स्किप नहीं करना है। एप्लीकेशन पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे, जी हाँ। एप्लीकेशन पासवर्ड मीन्स कि वर्डप्रेस को अगर मुझे एक्सेस करना है या रेस्ट एपीआई को एक्सेस करना है तो मैं किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को वो एक्सेस दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ फेसबुक को कि आप ये एक्सेस कर सकते हो, तो मैंने एक अलग से पासवर्ड जनरेट कर दिया है, दैट इज़ एप्लीकेशन पासवर्ड, कि आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए पासवर्ड जनरेट कर रहे हो। नहीं समझ पा रहा तो कोई बात नहीं, जो आपका डेवलपर है उसको समझ में आ जाएगा। तो एप्लीकेशन पासवर्ड इज़ अ गुड प्रैक्टिस, आप लोग इसको ऑन रख सकते हो। नेक्स्ट, और एडिटर्स पे आपको कोई सेटिंग्स यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। अब यहाँ पर कर देते हैं हम लोग स्किप यूज़र ग्रुप्स, देन कॉन्फ़िगर पर आ गए हैं। उसके बाद ऑथराइज्ड होस्ट, यहाँ पर आपको अपना करंट आईपी एड्रेस डाल देना है ताकि आप लोग लॉकआउट नहीं हो, तो आपको ऑथराइज कर देना है अपने आप को। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये मेरा आईपी एड्रेस नहीं है, मैं यहाँ पे वीपीएन का यूज़ कर रहा हूँ। वीपीएन के ऊपर मैंने काफ़ी बातचीत करी इस चैनल के ऊपर, तो मैं यहाँ पे वीपीएन का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वीपीएन का आईपी एड्रेस है, लेकिन यहाँ पर आपको अपना रियल आईपी एड्रेस डालना है जिससे आप लोग यूजुअली वेबसाइट को एक्सेस करते हो। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, देन उसके बाद नेटवर्क ब्रूट फोर्स, इसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल डाल देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें चेंज नहीं करनी है, कंटिन्यू, देन क्लिक ऑन सिक्योर साइट। तो अब यहाँ पर सेटअप इसका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको चले जाना है इसके डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और सेटिंग्स भी करेंगे, लेट्स गो टू सेटिंग्स। सबसे पहले हम लोग करते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पर हमारा ऑन है, सेटिंग्स पे जाते हैं हम लोग। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में कौन सी हमें सेटिंग्स चाहिए, ऑल मेथड्स में, ठीक है, ईमेल भी चलेगा और जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐप्स होते हैं वो भी चलेगा। तो वो सेटअप करने के लिए आपको जाना है यूज़र्स पे, ऑल यूज़र्स पे चले जाएंगे हम लोग। एंड देन जो आपका यूज़र रहेगा इसको यहाँ से हम लोग करेंगे सिलेक्ट, देन यहाँ पर स्क्रोल कर देंगे नीचे और यहाँ पर आ जाएगा मोबाइल ऐप ऑथेंटिकेशन, ठीक है, इनेबल यहाँ पे किया हुआ है। अगर ये डिसेबल रहेगा तो आप लोग इसको इनेबल कर सकते हो, और अगर आपको किसी ऑथेंटिकेशन कोड का यूज़ करना है या मोबाइल ऐप के थ्रू करना है, ऑथेंटिकेटर ऐप का यूज़ करना है, तो वो भी यहाँ से आप लोग इनेबल कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू सिक्योरिटी सेटिंग्स। सेकंड, ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन के एक बार आपको चेक कर लेना है लॉकआउट्स पे, ठीक है, नेटवर्क ब्रूट फोर्स ऑन है, लोकल ब्रूट फोर्स ऑन है, एंड देन कॉन्फ़िगर पे जा करके यहाँ पे लॉकआउट्स पे जाना है आपको, ठीक है। लोकल ब्रूट फोर्स ऑटोमेटिकली बैन एडमिन यूज़र, जो भी यहाँ पे एडमिन यूज़र्स, एडमिन अगर आपका यूज़र नेम नहीं है तो अगर कोई भी यहाँ पे एडमिन से लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो आपको उसको बैन कर देना है। अपना यूज़र नेम एडमिन मत रखना, कुछ और रख दो, अपना नाम रख दो या फिर कोई भी कुछ भी रख दो, लेकिन एडमिन मत रखना। तो एडमिन को यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैन कर दिया जाएगा। एंड सेकेंड, नेटवर्क ब्रूट फोर्स में API की अगर आपकी जनरेट नहीं हुई है तो यहाँ पर आपको ईमेल डालना पड़ेगा, ईमेल डाल देना, आपकी API की जनरेट हो जाएगी फॉर फ्री। और एक डिफ़ॉल्ट बैन लिस्ट रहती है, इसको भी हम लोग ऑन कर देंगे, जो ये ऑलरेडी बहुत सारे बॉट्स वगैरह रहते हैं तो ये बैन लिस्ट ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड है, तो बेसिकली इसको भी ऑन कर देना है। एंड दैट इज़ इट, आपका ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन कंप्लीट हो गया है। पहले में हमने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लिया, देन ब्रूट फोर्स को प्रिवेंट कर लिया, सेकंड में थर्ड इज़ टू प्रिवेंट DDoS अटैक्स। DDoS अटैक्स के लिए क्लाउड फ्लेयर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्लाउड फ्लेयर का आप लोग DNS यूज़ करो, उसको कैसे सेटअप करना है उसके लिए मैं डिटेल वीडियो कर चुका हूँ 2022 के लिए, वो भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, उसके लिए आप लोग जाएंगे एडवांस पे यहाँ पर नीचे, एंड देन वर्डप्रेस ट्वीक्स, देन XML RPC बेसिकली यहाँ पे डेवलपर्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर अभी आपका कोई भी API नहीं यूज़ कर रहा है, कोई भी डेवलपर इसका यूज़ नहीं कर रहा है, अगर आपको इसके बारे में पता ही नहीं है अभी तक, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका कोई यूज़ नहीं है एट प्रेजेंट, तो इसको आपको डिसेबल कर देना है, क्योंकि इसमें यहाँ पर कुछ वल्नरेबिलिटीज़ भी रहती है, इसको आपको हमेशा ऑफ रखना है। अगर आपका डेवलपर को रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो आपको बता देगा। फोर्थ स्टेप पे यहाँ पर हम लोग लॉगिन लिमिट्स लगा देंगे, तो आपको कॉन्फ़िगर पे जाना है, ग्लोबल सेटिंग्स पे जाना है, इसको ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 15 मिनट्स कि कितनी देर के लिए लॉकआउट किया जाए अगर कोई यूज़र आ जाए, तो आई विल से डू इट 30 एटलीस्ट, ताकि कोई भी अगर बॉट वगैरह हो तो उसको पता चल जाए कि इसने मुझे परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है। एंड देन लॉकआउट मैसेजेस आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर कोई जेन्युइन यूज़र है, अगर उसको लॉकआउट कर दिया गया है, तो ही शुड बी एबल टू कॉन्टैक्ट यू। तो यहाँ पर आ गया है लॉकआउट मैसेज, तो ये आपको यहाँ पर अपना बेसिकली ईमेल डाल देना है कि अगर आप लोग लॉकआउट हो गए हो तो आप लोग इस ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर लो ताकि यू कैन गेट अनब्लॉक्ड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी जेन्युइन यूज़र भी ब्लॉक हो जाते हैं, मैं भी हुआ हूँ, तो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। पांचवा स्टेप है यहाँ पर SQL इंजेक्शन को प्रिवेंट करना, उसके लिए आपको चले जाना है टूल्स में नीचे,
एंड देन यहाँ पर आइडेंटिफाई सर्वर आईपी, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। चेंज यूजर आईडी, यूजर आईडी को आपको चेंज कर देना है। नाउ ये जो भी मैं आपको चेंजेस बता रहा हूँ, ये चेंजेस करने से पहले आपको बैकअप ले लेना है, ताकि इन केस इफ समथिंग गोज रॉन्ग, कभी कभार होता है, कभी कभार थीम या प्लगइन के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है, तो इन केस समथिंग गोज रॉन्ग आप लोग उसको रिस्टोर कर पाए, तो बैकअप लेके रख लेना ये सारे चेंजेस करने से पहले। तो एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए पहले यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी चेंज कर देनी है, रन पे क्लिक कर देना है एंड देन ठीक है, आपकी यहाँ पर यूजर आईडी अपडेट हो गई है। डेटाबेस का टेबल प्रीफिक्स, इससे भी एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स होते हैं, तो इसको भी यहाँ पर हम लोग रन कर देंगे। एट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ सम रीजन ये मेरी वेबसाइट पर नहीं हो रहा है, लेकिन ये यूजुअली हो जाता है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है, बट पता नहीं अभी क्यों आ रही है। शायद से मैं जब इसको वापस से लॉग आउट करके लॉग इन करूँगा तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ कुकी इशू। देन सिक्स स्टेप इज टू फोर्स अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये हम लोग पहले ही सेटअप पे कर चुके हैं, तो फोर्स करने के बाद आपको एक और चीज़ यहाँ पे करनी है, पासवर्ड मैनेजर्स का यूज़ करना है। पासवर्ड मैनेजर फ्री भी आते हैं, पेड भी आते हैं, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो कर चुका हूँ, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो फोर्स अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड यूज अ गुड पासवर्ड मैनेजर। सेवेंथ इज टू चेंज लॉग इन पेज। नाउ इसके लिए आपको जाना है यहाँ पे एडवांस पे, हाइड बैकएंड, इस पर क्लिक कर देना है, हाइड बैकएंड। तो यूजुअली क्या होता है, हमें लॉग इन करने के लिए ऑप्शन मिलता है WP लॉगिन पे जाकर के आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, तो आप वो वाला पेज ही चेंज कर दो। उसी पेज पे सबसे ज़्यादा अटैक्स होते हैं, लोग जाते हैं वहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट बॉट्स रहते हैं, अपना सारा एल्गोरिथम लगाते हैं ताकि उसको आपको उस पासवर्ड को वहाँ पे क्रैक किया जा सके। तो आप बेसिकली उनका जो सोर्स है, जो पहुँचने का जो सोर्स है, वही हटा रहे हो। इसके बदले यहाँ पर हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ इंडिया। तो लॉगिन करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा kptesthost4.icu/india, यहाँ से मेरा लॉगिन पेज खुलेगा, WP लॉगिन से नहीं खुलेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो लॉगिन पेज को चेंज करने के बाद आता है हमारा एट स्टेप, दैट इज़ टू शेड्यूल नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ईमेल में आते हैं कि कितने बॉट अटैक्स हुए हैं आपकी साइट पर, कौन आपकी वेबसाइट पर बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा है, वो सब आपको नोटिफिकेशन पर मिल जाएंंगे। यहाँ पर आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सिक्योरिटी डाइजेस्ट में चले आना है, ये डेली से आपको चेंज करके वीकली कर लेना है मेरी ओपिनियन में, नहीं तो डेली आपको बहुत सारे जो ईमेल्स आते हैं उस समय काफ़ी परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि डेली आपको फिर ईमेल्स आते रहेंगे, तो मैं यूजुअली वीकली प्रीफर करता हूँ। आपकी चॉइस है आपको क्या रखना है। देन साइट लॉकआउट्स, साइट लॉकआउट्स मैं डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइट लॉकआउट्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको शुरुआत में अपनी वेबसाइट बताई थी कि हर 2 घंटे में यहाँ पे लॉकआउट कोई ना कोई ब्लॉक किया जा रहा है, तो वो हर 2 घंटे में फिर मुझे ईमेल्स आएंगे, तो इसलिए मैं साइट लॉकआउट को ऑफ कर देता हूँ। डेटाबेस बैकअप, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। 2-factor emails, 2-factor confirmation, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर्डप्रेस सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली है, ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने कोर्स में भी डिस्कस करे थे कि इन सारे पॉइंट्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है विथ स्पीड, विथ लाइट थीम। उस कोर्स में मैंने बताया कि फ्री थीम्स और फ्री प्लगइन का यूज़ करके आप लोग अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बना सकते हो जो अच्छी भी दिखे, सिक्योर भी रहे और 90+ पेज स्पीड स्कोर भी मिले। चाहिए तो जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अच्छा लगा हो तो थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू।